सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की हुई बैठक। कैबिनेट की बैठक में कुल 20 एजेंडों पर लगी मुहर। नीतीश कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से आरजेडी के 3 विधायकों ने की मुलाकात। मुलाकात की वजहों का नहीं हुआ खुलासा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के पहले जीतन राम मांझी ने की सीएम नीतीश से मुलाकात। मांझी चाहते हैं कि एक और मंत्री पद, विधान परिषद की एक सीट की भी मांग। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में हुए सगे भाइयों की निर्मम हत्या के मामले ने तूल पकड़ा। जाप नेता पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मिले। मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए देने का किया ऐलान। और दुर्भाग्य है कि सरकार का एक आदमी, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई आदमी नहीं आना, ना MLA, ना MP, ना कोई मंत्री। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है। हमें जानकारी मिली इस घटना की, हम अपने युवा अध्यक्ष दानवीर जी और अपनी तुरंत हमने कहा कि मुझे जाना है। रांची में लंबे वक्त के बाद कोर्ट में दिखी चहल पहल। फिजिकल कोर्ट हुआ शुरू। इस दौरान वकीलों में खुशी का माहौल। राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में धूप खिलने से ठंड से मिली राहत। आने वाले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। फिलहाल राज्य के 8 जिले अभी भी कोल्ड डे की चपेट में। वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में किया गया गांजा बरामद। मामले में SDPO ने बताया कि गांजे की मूल्य बाजार में करोड़ों रुपए में। घटना यही है कि हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है। इस सूचना पर सभी को डिस्प्ले किया गया था। सभी थाना को अलर्ट कहा गया था कि सभी लोग अलर्ट रहेंगे और चेकिंग बढ़ाएंगे। तो इसी चेकिंग के दौरान और सूचना के हिसाब से पता चला कि गांदाहा रोड में ये गाड़ी एंटर की है। लातेहार के बरवाड़ी में जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय के साथ की समीक्षा बैठक। के दौरान प्रखंड अंतर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न सरकारी योजनाओं पर की गई चर्चा। गया में ATS की टीम ने अलग अलग होटलों में की छापेमारी। इस दौरान विदेशी करेंसी के साथ 6 लोगों को लिया गया हिरासत में। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र से JDU कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने का मामला। व्यक्ति 30 सालों से रह रहा है अपने ससुराल में, जिसे नाराज साले ने बंदूक के बट से मारकर किया घायल। जमशेदपुर के पोटका में एक युवक ने की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंटर परीक्षा के दूसरे दिन सुपौल में परीक्षा केंद्र उच्च विद्यालय सुखपुर से पकड़े गए 2 छात्र किसी और के नाम से दे रहे थे एग्जाम। सदर SDO ने दी जानकारी। बोकारो के चरगी चौक के पास NH 23 पर सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की हुई मौत। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर की मुआवजे की मांग। मसौड़ी में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का मामला आया सामने। गांव के ही कुछ दबंगों ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को दिया अंजाम। वहीं मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मोतिहारी में घने कोहरे की वजह से पिकअप वैन पलटने से 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, जबकि दर्जनों मजदूर हुए घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सरायकेला के चांडिल कपाली OP अंतर्गत डोबो सोनारी न्यू बाईपास सड़क पर ऑटो और कार में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर। MGM अस्पताल में चल रहा इलाज।